नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का कांटा जींद उपचुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही निकल गया है? उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्र भरने वाले दिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने हंसी मजाक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था, आपका कांटा तो निकल गया। हरियाणा में चर्चा है कि कांग्रेस के अनेक नेताओं ने जाल बिछाकर राहुल गांधी के नजदीक व मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार रणदीप सिंह सुरजेवाला को जानबूझकर जींद में चुनाव लड़ने पर मजबूर किया तथा बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को छोड़कर किसी भी नेता ने गंभीरता से उनका साथ नहीं दिया। केवल दिखावे के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक दो बार जींद का चक्कर लगाया। ऐसे में माना जा रहा है कि जींद उपचुनाव में हार के बाद चाहे कांग्रेसी कुछ भी कहें, मगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार के बाद कांग्रेसी अनेक नेता यह मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का एक दावेदार कम हो गया है। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। 10 जनवरी को रामविलास शर्मा ने किस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था, आपका कांटा तो निकल गया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका कांटा निकल गया। वो तीसरा करके नहीं 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 वो तीसरा करके ला रखना सारी पोस्ट तो आप कुछ के पास में पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दूंगा। आपका और उनका साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला अगला चुनाव कैथल से लड़ेंगे अथवा जींद में, अभी से इसकी चर्चा चल निकली है। इस बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि वह जींद में अपना मकान लेंगे और वहीं रहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केवल कांग्रेस पार्टी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं जींद के साथियों को भी ये आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चुनाव जरूर हारा है, परंतु हमने ना अपना लक्ष्य हारा, ना निशाना हारा और ना आगे बढ़ने का तरीका हारा। जींद के साथियों से मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ मकान भी लेऊंगा, यहाँ रहूंगा भी आपके बीच में। हर 15 दिन में आपसे मैं चर्चा करूंगा, गांव में चलेंगे, वार्डों में चलेंगे, शहर में चलेंगे, नए सिरे से और जींद के विकास का एक नया ढांचा बनाएंगे। जब तक जींद में जात पात को काट कर कांग्रेस का 36 बिरादरी का भाईचारा नहीं बना देंगे, तब तक रणदीप चैन से नहीं बैठेंगे।